हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवशीष अवस्थी जैसे आपको पता होगा हर संडे में आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लेके आता हूं जहां पर मैं पूरे वीक की जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने डिस्कस करता हूं ओके okay? सो तो आज वीक है दैट इज सिक्सटीन जून से लेकर ट्वेंटी जून तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल मेरा डेली करंट अफेयर्स नहीं आया था तो उसको भी मैंने यहाँ मिक्सअप कर दिया है इसलिए कह रहा हूँ ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए ठीक है आज ट्वेंटी थर्ड जून है बहुत सारे लोगों का संडे को एग्जाम है चाहे वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हो चाहे वो उड़ीसा के स्टूडेंट्स बहुत सारे हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं थीके? और देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं हमारी बुकलेट आई हुई है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अपने जुलाई अगस्त के मंथ में तो आपको पता होगा प्रीवियस सिक्स मंथ करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ आप देख सकते हैं जनवरी ट्वेंटी से लेकर जून ट्वेंटी तक ट्वेंट ट्वेंट की सारी करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर टॉपिक वाइज मैंने मैंशन कर रखी है आप इस बुकलेट को ईजिली ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं आप ये सोच रहे होंगे नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करो आपको ये बुकलेट की मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा ठीक है आप ईजिली इसका क्या करा सकते हो प्रिंट आउट करा सकते हो अब सोचोगे सर मेरा एग्जाम तो आगे चल के बहुत टाइम बाद है आगे की करंट अफेयर्स मिलेगी कि नहीं या तो मुझे जनवरी से पुरानी करंट अफेयर्स भी चाहिए वो मिलेगी कि नहीं सब कुछ मिलेगा कहने का मतलब इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है आगे की भी करंट अफेयर्स मैं आपको अपलोड करता जाऊँगा अपनी ड्राइव लिंक पर ठीक है आपको करना क्या है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आपको मुझे मैसेज करना है मैं इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट जैसे अभी आप ये वीकली देखने वाले हैं आप खुद कहेंगे सर इसकी पी चाहिए ठीक है आप मेरी मंथली देखते हैं डेली देखते हैं बहुत सारी चीज़ देखते हैं उन सब के पीडीएफ क्या देखिएगा आपको इसी के साथ अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिर्फ इसका कॉस्ट है बाकी आपको अदर थिंग्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी तो याद रखिएगा अगर आप सीरियस हो तो इस बुकलेट को मत मिस करना ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारी वीकली करंट अफेयर के लिए आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है ओके लेट स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है वट इज द थीम ऑफ एटीथ एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपको पता होगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जो एटीन जून से लेके ट्वेंटी फर्स्ट जून तक मुंबई में हो रहा था ओके मैंने पूछा इसकी थीम क्या है नॉट बिकम द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि थीम क्या है ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए गए हैं कि थीम क्या हो सकती है मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ इसमें आप याद कर लेना आपको पता है अमृतकाल बहुत न्यूज में चलता है तो आपको है, इंडिया इन अमृतकाल जो है वो इसकी थीम है सिंपल सी थीम है इंडिया इन अमृतकाल ओके तो आपको सिर्फ इसकी थीम याद रखनी इंडिया इन अमृतकाल ओके okay? और ये पूछ सकते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन है ये 2024 में तो 18th एडिशन है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी आप देख रहे हैं किस तरह नीट के एग्ज़ाम्स में हमने देखा चीटिंग का इतना इशू आया ठीक है अदर एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए ठीक है और चीटिंग आजकल देख रहे हैं कि हम ये जो हो रही है पेपर पहले से ही लीक हो रहे हैं पेपर ठीक है तो ये बहुत न्यूज़ में आ गया तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक बिल आपने एक्ट सुना होगा दैट इज़ पब्लिक एग्जामिनेशन बिल ट्वेंटी ठीक है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीनस पूरा बिल का नाम है ओके तो अब ये एक्ट बन के नोटिफाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने मतलब ये लागू हो गया है अब आप लोग सोचोगे क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस ये जो अभी बिल था जो अब लॉ बन चुका है ओके okay, इसमें कौन से प्रोविजन सही है पहला प्रोविजन है द लॉ कंटेन्स प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम जेल टर्म फॉर टेन ईयर्स दस साल तक की जेल है इसमें ठीक है और इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर फाइन अप टू वन करोड़ रुपीज जो ऑफेंडर रहेगा उसको एक करोड़ रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है इस एक्ट के अंदर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ओके तो याद रखिएगा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल ट्वेंटी जो अभी रिसेंटली नोटिफाइड किया गया है पास तो ये पहले ही हो चुका है ठीक है तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू याद रखिएगा अब नकल पे याद रखिएगा सरकार जो है जो चीटिंग हो रही है पेपर लीक्स हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये लॉ जो है कोई अभी नहीं लेके आई है याद रखिएगा आप यहां देख सकते हैं सिक्स और तो नाइन्थ फेब को लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था मतलब सिक्स फेब को लोकसभा नाइन्थ फेब को राज्यसभा से पास हो गया था इवन आप देखेंगे प्रेसिडेंट ने ट्वेल्थ फेब को हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको साइन भी कर दिया था बट अभी ट्वेंटी जून से ही नोटिफाइड हो गया याद रखिए गवर्नमेंट ने इसको केम इन इफेक्ट एफेक्ट ट्वेंटी जून से नोटिफाइड कर दिया है तो अब आप देखिए अगर आप लोग ये चीटिंग और ये सब पेपर लीक पे अगर कोई भी बच्चा इन्वॉल्व होता है तो अब बच्चा क्या मतलब याद रखिएगा कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको इतनी पनिशमेंट दी मिल सकती है अब इस पर डिटेल मैं वीडियो बना सकता हूँ बट अभी क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बोथ वन एंड तो टू दोनों ही प्रोविजन इसके सही थे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पटना हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन बिहार गवर्नमेंट्स लॉ टू इंक्रीज रिजर्वेशन जो उन्होंने इंक्रीज किया था शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का पचास परसेंट से रिजर्वेशन कितना उन्होंने इंक्रीज किया था जिसको बिहार की हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया उनके रिजर्वेशन को क्योंकि उनका रिजर्वेशन फिफ्टी परसेंट को क्रॉस कर रहा था ठीक है तो कितना उन्होंने कर दिया था उन्होंने फिफ्टी परसेंट से रिजर्वेशन को कर दिया था सिक्सटी फाइव परसेंट ओके सिक्सटी तो फाइव हो गया तो आपको पता है कि फिफ्टी से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता अब आपको लोग कहेंगे सर ई भी तो रिजर्वेशन है हाँ उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था याद रखिएगा कि वो इस फिफ्टी के क्राइटेरिया में नहीं आता है तो वैसा ई डब्ल्यू करेंगे तो वैसे ही सिक्स परसेंट हो जाएगा बिहार में मतलब देखा जाए तो 75 फाइव परसेंट रिजर्वेशन हो गया था 65 फाइव प्लस टेन परसेंट ईडब्लू एस तो मतलब 75 फाइव परसेंट रिजर्वेशन हो गया था वहां पर ठीक है बट अभी बिहार के जो हाईकोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया है ठीक है अब इस पर आप डिबेट मत करिएगा क्योंकि देखिए जो कोर्ट बोलती है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ठीक है तो यहां पर जो हाई कोर्ट है उसने 50 परसेंट कैटेगरी से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है ओके चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ एन एच ए आई ठीक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन साइन किया है टू एनहांस रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखिएगा रोड सेफ्टी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसके लिए एमओ यू साइन किया गया NHAI ने साइन किया किसके साथ साइन किया है ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं मैं आपको हिंट दे देता हूं दिल्ली की है ये यूनिवर्सिटी का करेक्ट आंसर है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली याद रखिएगा तो इसके साथ एमओयू साइन किया है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज हो सकता है याद रखिए साइन किया गया है कि किस तरह रोड सेफ्टी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं उसके लिए एमओयू साइन किया गया है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या नंबर फिफ्थ वेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया था ऑप्शन आपके सामने है मैं बता दूंगे उस दिन सेलिब्रेट किया था जिस दिन इंडिया

पुटिन मेक हिज फर्स्ट विजिट इन ट्वेंटी फोर ईयर्स और पुटिन कहाँ पर ट्वेंटी फोर ईयर्स के बाद वहाँ पर गए हैं पुटिन आपको पता वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं और वो गए हैं अपने फ्रेंड के पास उनके नीचे ही एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया और आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया के फ्रेंड है पुटिन ओके यहाँ पर उन्होंने कुछ मिलिट्री अलाइंस भी साइन किए हैं ठीक है थीके? तो अच्छा मतलब आप देख सकते हैं कैसे दोनों दोस्त बन गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो है यहाँ नॉर्थ कोरिया के जो हेड हैं इनका नाम क्या है ठीक है ये भी बड़े फेमस हैं ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दैट इज नॉर्थ कोरिया ठीक है तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में आता है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म फॉर चेक इन लगेज लॉन्च अगर आप कभी एयरपोर्ट जाते होगे तो चेक इन कराने के लिए आपको बहुत टाइम लगता होगा ठीक है चेक इन करना बहुत टाइम लगता है बट अब किस एयरपोर्ट ने सेल्फ सर्विस लॉन्च कर दी है कि आप लगेज का पूरा प्रॉपर उनका सेल्फ सर्विस है वहाँ पर आप खुद से ही सब आप अपनी चीज़ें कर सकते हो ठीक है तो किस एयरपोर्ट ने लॉन्च की है ऑप्शन आपके सामने हैं और इसको लॉन्च किया दिल्ली के एयरपोर्ट ने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया में पहली बार हुआ है इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देख शख्स मैंने लिखा भी है दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म फॉर चेक इन लगेज चेक इन लगेज में बहुत टाइम लगता है आपका प्रॉपर चेक इन होता है ठीक है तो उसके लिए चेक इन लगेज के लिए अब सेल्फ सर्विस बैकड्रॉप जो है वो लॉन्च कर दिया है दिल्ली एयरपोर्ट ने ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर एट यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात की है इसके लिए याद रखिएगा अभी यूनियन कैबिनेट ने टू करोड़ रुपीज भी दिए हैं तो मैंने पूछा है, ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है मैं आपको हिंट देता हूँ जहां मैं तो से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं ठीक है कहाँ से लड़ते हैं वाराणसी दैट इज बनारस से तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए उत्तर प्रदेश का ये एयरपोर्ट है पूछ सकते हैं आपसे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है तो आंसर वाराणसी या तो बनारस आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ठीक है तो अब उस एयरपोर्ट की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ रिसेंटली विच कंट्री एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड का पहला

Options आपके सामने इसके वॉर चल रहा होगा रशिया रशिया नहीं रश्या? नहीं डायरेक्टली करेक्ट आंसर कर so, दिमाग में याद रहे ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज यूक्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री won द गोल्डन कॉन्च अवार्ड देखिएगा फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन इंटरनेशनल कैटेगरी एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस डॉक्यूमेंट्री को यह अवार्ड मिला है ठीक है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑप्शन आपके सामने आपको बता रहा हूं करेक्ट आंसर है दैट इज द गोल्डन थ्रेड द गोल्डन थ्रेड डॉक्यूमेंट्री जिसको लिखा है या देखिए डायरेक्ट किया है डायरेक्टर हैं निशिता जैन जो है वो इसकी डायरेक्टर हैं और उनको गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इस इंटरनेशनल कैटेगरी में मिला है एटीन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर डिड द एवियन इन्फ्लुएंजा सिमुलेशन एक्सरसाइज अभी 19 से ट्वेंटी जून के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई ठीक है एवियन इन्फ्लुएंजा की ओके और इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने भी कोलैबोरेट किया था आपका ठीक है तो ये कहां पर हुई है ये हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी दैट इज भोपाल आप यहां देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ कोलाबरेशन में वर्ल्ड बैंक था और ये भोपाल में ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इन विच इंडियन स्टेट वॉज द पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड बिफोर आरबीआई कैंसिल कर दिया है ठीक है बैंक का नाम क्या है पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक तो मैंने पूछा ये बैंक जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है ऑप्शन आपके सामने हैं ये कॉपरेटिव बैंक जो है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज यूपी आप यहाँ देख सकते हैं इट वॉस सिचुएटेड इन गाजीपुर उत्तर प्रदेश और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से आरबीआई ने याद रखिए इस बैंक का लाइसेंस को रिवोक कर दिया है तो ये अभी न्यूज में चल रहा है बैंक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी डिड टू डे इंडियन आईओ आर ए क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है अभी रिसेंटली कंक्लूड की गई है है ठीक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन याद रखिएगा क्या है जो इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज है उनका ग्रुप है ठीक है और इसका इंडिया और आईओ आर ए का भी रिसेंटली क्रूज टूरिज्म को देखते हुए एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है न्यू डेली में ठीक है आईओ आर ए की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है याद रखिएगा ठीक है इसमें ट्वेंटी थ्री मेंबर्स है इंडिया इज वन ऑफ दर एटी सेवन में ये ग्रुप जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है ये फॉर्म हुआ था अराउंड इंडिया के अराउंड सॉरी इंडियन ओशन ग्राउंड जो कंट्रीज है वो इसकी मेंबर है फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन याद रखिएगा तो अभी इसका इंडिया और IORA का भी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है रिगार्डिंग क्रूज टूरिज्म कहाँ पर न्यू दिल्ली में ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2024

है ये उनकी इमेज है सुलवाकिया आप देख सकते हैं ये कंट्री है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे पोलैंड आपको दिख रही होगी नीचे आपको हंगरी दिख रही होगी ओके तो रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिसेंटली विच क्रिकेटर एंड वील ऑटोबायोग्राफी टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट अ क्रिकेट स्टोरी क्रिकेट की प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी ऑप्शन देखिए तो देखिए कोहली तो अभी खुद ही क्रिकेट खेलने हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी क्यों लिखेंगे ठीक uh, है एम एस धोनी भी आपने सुनी होती न्यूज़ में आ जाता है इसका करेक्ट आंसर आर अश्विन याद करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज आर अश्विन द कोटी क्रिकेट स्टोरी देखिए ये इस नाम से याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर हु इज़ ऑफ़ द बुक टाइटल अ फ्लाई ऑन द आर बी आई वॉल इसके राइटर कौन है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम भी लिखा है अल्पना किलावाला ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अल्पना किलावाला इसकी ऑथर है ओके okay, जो कि अभी न्यूज में चल रही है ये भी बुक ओके okay. चलिए नेक्स्ट इन विच पोजिशन इंडिया रैंक अमंग द कंट्रीज विथ इट्स ओन डीप सी मिशन आपको पता बताओ इंडिया अपना डीप सी मिशन जो है वो लॉन्च करी इसके ट्रायल्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए तो इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन जाएगी अगर इंडिया ने ये चीज परफॉर्म कर लिया ठीक है तो ऑप्शन आपके सामने हैं इंडिया ये करने के बाद इंडिया सिक्स कंट्री बन जाएगी मैं आपको बता देता हूं यूएसए कर चुका है ठीक है रशिया कर चुका है चाइना कर चुका है तीन मैं आपको बता रहा हूं सिक्स इंडिया होने वाली है फोर्थ और फिफ्थ दो कंट्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिन्होंने ऑलरेडी डीप सी मिशन अचीव कर रखा है उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये डीप सी मिशन आपको पता होगा मच्छा सिक्स थाउजेंड याद रखिएगा ये एक थ्री मेन थ्री पर्सन सबसेबल है जो कि 6000 मीटर तक सी के अंदर जा सकता है ठीक इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने ओके याद रखिए चेन्नई बेस्ड है इसने इसको डेवलप किया इसके ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं तो ये या आपको याद रखना है 2024 सितंबर 2024 के के ट्रायल्स स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियास फर्स्ट एवर मल्टी नेशनल एयर एक्साइज अगस्त 2024 में होने वाली है इट्स अ ग्रेट थिंग इंडिया की इंडिया की फर्स्ट एवर मल्टी नेशनल याद रखिएगा एयर एक्साइज है जो कि अगस्त में होने वाली है तो उसका नाम क्या रखा गया ऑप्शंस आपके सामने हैं गरुड शक्ति मेघ दूत इसका करेक्ट नाम है तरंग शक्ति याद रखिएगा तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए तरंग शक्ति एक्सरसाइज ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट विच ऑर्गेनाइजेशन एंटर्ड इट्स नेम द लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग मोस्ट पीपल एट अ पब्लिक सर्विस इवेंट मतलब एक पब्लिक सर्विस इवेंट हुआ अलग अलग जगहों पर हुआ और उसमें सबसे ज्यादा लोग गैदरिंग हुई ठीक है और यह किसने कर रखा है यह अचीव कर रख दिया इंडियन रेलवेज ने तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दर इंडियन रेलवे में बता दू ये इवेंट हुआ था वैसे तो आप देखेंगे ट्वेंटी सिक्स फेफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में हुआ था रेलवे के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग था जिसमें करीबन फोर्टी लाख लोगों ने फोर्टी लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग वेन्यूज में ये इवेंट हो रहा था और इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट

फुलफॉर्म बतायाता हूँ इस चेज का फुल फॉर्म क्या है चेज का फुलफॉर्म है चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोर जो सेटेलाइट है तो टू आइडेंटिफाई नोबल पैटर्न इन द रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमोसफियर जो न्यूज में चला इसकी डिस्कवरी कर रहा है इसने नया एक याद के पाथ भी बताया है तो ये अभी न्यूज में है तो आपको जस्ट रिमेंबर है चेज किसका सेटेलाइट है तो आंसर है चाइन, सी से छे सी से Okay. है, है? रल में केरल में कहा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हैल कोजिकोड़े आप यहाँ देख सकते हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वट इज रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इंडिया की रैंक क्या है ठीक है ये मैंने पूछा है रैंक वन पर तो एस्टोनिया है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है और इंडिया की रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज है 176 सेवेंटी सिक्स तो so, इंडिया की रैंक क्या है दैट इज 176 ठीक है तो ये आपको याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट ओके इसको आप देख सकते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ठीक है इंडिया की रैंक है वन आउट ऑफ वन कंट्रीज ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ हाउ हाई इज द चिनाब रेल ब्रिज अब चिनाब रिवर आपको बताओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज अभी न्यूज में चल रहा है मैंने इसकी हाइट पूछ ली आपसे ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में ये ब्रिज जो है चिनाब रिवर ब्रिज जो है सिचुएटेड है और ये है 359 मीटर हाइट पर जो कि एल्फिल टावर की भी हाइट से ज्यादा है ठीक है मैं आपको बता ये जो ब्रिज है चेनाब रिवर ब्रिज 359 मीटर दैट इज अराउंड 1178 फीट अबव द चिनाब चेनाब रिवर मेकिंग इट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज याद रखिएगा। वर्ल्ड का हाइएस्ट रेलवे ब्रिज है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है इस टॉपिक से ओके जम्मू एंड कश्मीर में नेक्स्ट है हु रिसीव्ड वी शंताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2024 ट्वेंटी फोर यह अवार्ड अभी एटींथ जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है मुंबई में वहां पर दिया गया और यह अवार्ड दिया गया है सुबिया नालामुतु को दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर याद रखिए सुबिया नालामुतु जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियाज रैंक आउट ऑफ 163 कंट्रीज इंडिया की रैंक कितनी है ऑप्शंस आपके सामने इसका ऑप्शन है 163 सिक्सटी रैंक्स में इंडिया की रैंक है 116 ठीक है और इस इंडेक्स की बात करूँ तो मोस्ट पीसफुल कंट्री है आइसलैंड और मोस्ट डिस्टर्ब या लीस्ट पीसफुल आप कहेंगे यमन जो है वो लीस्ट पीसफुल है ठीक है ये भी आपको याद रखना है ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किस लिए फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका ना है एन एफ आई ई एस ओके इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले भी आप देख सकते टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फोर करोड़ रुपीज गवर्नमेंट एलोकेट किए हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन तक के अलोकेट किए गए हैं मैंने पूछा ये एन एफ आई ई एस स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ठीक है क्योंकि ये स्कीम बहुत न्यूज़ में है ठीक है जिसमें फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा फॉरेंसिक से रिलेटेड स्कीम का नाम है देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने दिए गए दो ही फॉरेंसिक है दो तो एक फ्यूचर हो गया फॉरेस्ट हो गया कट कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम याद रखेगा तो ये फुल फॉर्म आ सकता है देख सकते हैं बड़े क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जहां पर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाएगा जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया का और बेटर हो सकता है ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन ट्वेंटी एट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर पोर्ट जिसका नाम है वादवन पोर्ट मैंने पूछा यह पोर्ट जो है किस स्टेट में सिचुएटेड है ओके okay. गवर्नमेंट इसके लिए भी फंड्स दिए हैं और ये पोर्ट जो है महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज महाराष्ट्र ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अच्छा मुझे आप बताइए महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है

विच कंट्री विल होस्ट फोर्टी एथ एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार देखते हैं कौन जीतता है ठीक है बट ये टूर्नामेंट हो रहा है यूएसए में याद रखिए करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी यूएसए जनरली ये आउटसाइड साउथ अमेरिका नहीं होता है बट आप देखिए इस बार यूएसए में हो रहा है ओके नेक्स्ट ऑन विच डे वर्ल्ड सिक्कल सेल डे ट्वेंटी फोर इज सेलिब्रेटेड ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इसकी थीम क्या है दोनों ही आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भाई नाइनटीन जून को सेलिब्रेट किया जाता है इसकी थीम भी बताए तो ऑफकोर्स एक ब्लड का डिसऑर्डर है ये ओके और इसकी थीम देखिए होप थ्रू प्रोग्रेस जो है वो इसकी थीम है पूरी लाइन पढ़ देता हूँ एडवांस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली बट आपको मेन चीज याद रखना है होप थ्रू प्रोग्रेस जो है वो इस बार की थीम है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रिसेंटली विच कंट्री रिफ्यूजेस टू साइन यूक्रेन डिक्लेरेशन एट स्विस कॉन्फ्रेंस स्विस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि स्विट्जरलैंड में हुई ठीक है अभी फिफ्टीन सिक्सटीन जून में ही हुई आफ्टर जी सेवन सबमिट और यहाँ इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया बट इंडिया ने साइन नहीं किया याद रखिएगा क्योंकि आपको पता होगा इंडिया के रिलेशन रशिया से अच्छे हैं और यहाँ पर यूक्रेन आया था बट रशिया को नहीं बुलाया गया था जिसकी वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया है ठीक है बट येस yes, इंडिया अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस बट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड नहीं, नहीं इंडिया की इंडिया के सेक्रेटरी लेवल पे यहां पर यहाँ पर अटेंड किया गया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री रिसेंटली हु कन्फर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अवार्ड साउथ अफ्रीका देती है और ये पहली बार किसी इंडियन को मिला है दैट इज वाई मैं इस अवार्ड को कवर कर रहा हूँ और ये अवार्ड मिला है चाइल्ड फिल्म पर्सन को इसका नाम है विनोद घंटारा याद रखिएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है याद रखिए चाइल्ड फिल्म मेकर है विनोद घंटारा जिनको ये अवार्ड दिया गया और पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है ओके okay. नेक्स्ट रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन सी बन गई है और ये बनी है थाईलैंड याद देखिए कैपिटल इसकी क्या है दैट इज बैंकॉक इसी कैपिटल है चलो कमेंट बॉक्स में बताओ थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है ठीक है थाईलैंड की करेंसी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन करके बताएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फिफ्थ इंटरनेशनल योगा डे अभी बनाया गया ट्वेंटी फर्स्ट जून को ठीक है तो हर साल बनाया जाता है मैंने पूछा है ये ईयर जो सेलिब्रेट किया गया है कौन से एडिशन का ये था मतलब कौन सा एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे ऑप्शन आपके सामने हैं ठीक है ये जो एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे आपको हमारे आप प्राइम मिनिस्टर जी श्रीनगर गए थे डल लेक पर उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया और ये एडिशन था, 10th एडिशन था दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट करके वीडियो डाला उसमें लिखा है टेंथ एडिशन तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी तो इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल योगा डे से थर्टी सिक्स क्वेश्चन इन जून 2024 ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन हमारे नीरज चोपड़ा ने गुस्टिंग गोल्ड मेडल जीता इन मेंस जेवलिन थ्रो कंपटीशन विद अ बेस्ट एफर्ट ऑफ 85.97 मीटर एट द पावो पावो गेम्स याद रखिएगा मैंने पूछा कंट्री डिड एटी गेम्स जो है वो टेक प्लेस हो रहे थे ठीक है है ये ऑप्शन क्योंकि इसमें हमने गोल्ड मेडल जीत लिया है ये गेम्स कहां ऑप्शन है नीदरलैंड मॉरिशस यूएसए फिनलैंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड है आपको नहीं दिख रहा होगा फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फिनलैंड की कैपिटल क्या है ठीक है यूरोप की कंट्री है फिनलैंड आप मुझे उसकी कैपिटल जो है वो बताएंगे तो हमारे नीरज चोपड़ा ने बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको दिलाई है ठीक है कमेंट बॉक्स में फिनलैंड की कैपिटल आप जरूर बताइए ओके नेक्स्ट हु हैज इनोग्रेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगिरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट अभी आप देखो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है ठीक है इसके बारे में और डिस्कस किया जा सकता है बट अभी मैंने पूछा किसने इनाग्रेट किया है उसको इनागरेट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो अभी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज नरेंद्र मोदी ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इज द फर्स्ट बॉलर टू बोल ऑल फोल ओवर्स मेड इन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मैच पहली बार ऐसा हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मैच जो अभी हो रहा है नाइन्थ एडिशन मैं बता दूं ये यूएसए और साउथ अफ्री यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है ठीक है और यहाँ पर एक ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने चार के चार ओवर अपने मेडन डाल दिए आपको पता होगा ट्वेंटी वर्ल्ड कप पर एक बॉलर मैक्सिमम फोर ओवर्स ही डाल सकता है और पूरे के पूरे ओवर मेडन मतलब एक भी रन नहीं दिया और ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं इनका नाम है यार लॉकी फर्गूसन ठीक है और चार के चार ओवर ने मेडन डाले किस कंट्री के खिलाफ आप सोचें होंगे पी एन जी जो है उसके खिलाफ उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है ओके और पहली बार ट्वेंटी वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड रिफ्यूजी डे हम कब कर सेलिब्रेट करते हैं इसको नहीं पता डायरेक्ट याद ट्वेंटी एथ जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट करते हैं ठीक है और इसकी थीम भी याद रखना है दैट इज एवरी वन इज वेलकम याद रखिए एवरी वन इज वेलकम इज द थीम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन हु हुए एज लैंड हीरो फॉर टू नेचुरल फार्मिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है और ये एक इंडियन है वैसे तो दस लैंड हीरो बने हैं उनमें से एक इंडियन बना है वो इंपॉर्टेंट होता है महाराष्ट्र से तो बिलोंग करता है सितेश सखोड़े याद रखिए सिदेश सखोड़े जो है ये बने हैं ये आजकल न्यूज में भी चल रहे हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्यों दिया गया मैं आपको बता देता हूँ ये, ये क्यों दिया गया वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट आपको पता होगा अभी मैंने बताया सेवेंटीन जून को सेलिब्रेट करते हैं तो उसी के लिए ये टेन लैंड हीरोज चूज हुए थे उनमें से एक इंडिया से है इसलिए इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मर्सर रिपोर्ट विच कंट्री रिटेन ए टॉप स्पोर्ट एज इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ठीक है इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की कौन सी है अकॉर्डिंग टू अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है रैंक वन पर तो है हांगकॉन्ग कौन है रैंक वन पर हॉन्गकांग you <laughs> इंडिया की कौन सी एक्सपेंसिव वो है वो है दैट इज मुंबई याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और रैंक है मुंबई की दैट इज ओवरऑल रैंक तो 136 है बट इंडिया में रैंक वन आ रही है याद रखिए देख सकते हैं मुंबई जो है वो 2024 की रैंकिंग में तो 136 है सेकेंड में डेली है थर्ड में चेन्नई है फोर्थ में बैंगलुरु है ठीक है बट जो डेली है रैंक है वन और ओवरऑल जो रैंक है सबसे हाई वो है दैट इज हॉन्ग की ओके तो यहां पर आप देखेंगे हमारे सारे क्वेश्चन जो थे इस वीक के मैंने कंप्लीट कर दिए जितने भी एग्जाम पस्त से इंपॉर्टेंट थे यहाँ तक आपने क्वेश्चन देखे होंगे आपको कुछ क्वेश्चन बने होंगे कुछ आपको याद हो गए होंगे जो लोग प्रीवियस मेरे लेक्चर्स डेली देखते हैं उनको तो एक रिविजन उनको मिला होगा कुछ नए क्वेश्चन भी मिले होंगे और अब आ गई है ये बुकलेट मैं फिर से जाते जाते आपको बता रहा हूं ये बुकलेट याद रखिएगा आपके ब्रह्मास्त्र का काम करेगी इसको तुरंत व्हाट्सएप करके आप इसमें थोड़ा बहुत अगर पैसा खर्च भी कर देते हो याद रखिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत मनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी दूंगा याद रखना करंट अफेयर्स हमेशा इवॉल्व होता है आगे भी आपको करंट की जरूरत पड़ेगी आप लेटर सपोज आप भी हो हो जाते आप आप हमेशा चाहोगे टॉप पोस्ट में जाओ ठीक है तो आप भी देते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पीसीएस सेलेक्टेड है बट वो यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं या पीसीएस में ही ग्रेड अपलोड मतलब अपनी नीचे उनकी रैंक थोड़ी तो नीचे की है उसको इंप्रूव करने के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनको आगे भी करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है ऐसे आपको भी होगी तो आप ये मत सोचिए बस आपका कल एग्जाम है उसके बाद हमें करंट अफेयर्स जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको लाइफ टाइम करंट अफेयर्स अफेयर जरूरत पड़ेगी और वही मैं यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इसके साथ साथ आपको अदर चीज भी मिलेंगी जैसे अभी आपने मेरा वीकली क्वेश्चन देखा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी चीजें मिलेंगी ठीक है डिटेल फॉर्मेट में भी मिलेंगी आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो और लाइफ टाइम अपडेट होता रहेगा पूरे यूट्यूब लेक्चर्स की सारी मिलेगी अभी आप देखोगे मेरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीक में ठीक है और फिर आप खुद कहोगे सर इसकी पीडीएफ आप मुझे दिलवा दो और उस टाइम पर पीडीएफ आपको इतनी कॉस्टली पड़ेगी तो अभी आप ले लो या देखिए तुरंत व्हाट्सएप करो इस बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो का नाम है है क्लासेस जिसका लिंक जो है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां पर जाओगे वहां से भी आप बाय कर सकते हो या देखिएगा आपको वहां पर मेरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आप अगर पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से भी आप उन चीजों को कवर कर सकते हो तो तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो वहां पर आपको मेरे यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे आपको नोट्स चाहिए वो भी मिलेंगे टाइम वेस्ट मत करो तुरंत जाकर पढ़ाई स्टार्ट करो अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपको पता होगा बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं और अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं तो जो लोग सोच रहे हैं हमारी वैकेंसी आएगी कि नहीं कुछ राजस्थान के बच्चे मुझसे पूछे थे सर राजस्थान का पी होने वाला है कि नहीं है ना अभी हरियाणा का एग्जाम हो रहा है बहुत से एग्जाम्स हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में साउथ में एग्जाम्स हो रहे हैं तो याद रखिए अब सारी वैकेंसीज आने वाली है तो तैयारी चालू कर दो जो लोग पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे उनको एडवांटेज होगी और जो लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं करके रखेंगे उनको डिसएडवांटेज होगा ठीक है तो अभी से आप चीज़ें तैयारी करो कोई दिक्कत क्वेरी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं याद रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है आपको अगर यह बुकलेट चाहिए तो व्हाट्सएप जरूर करना इसकी पीडीएफ आपको इसके साथ याद रखेगा टोटल हर चीज़ें मिल ही जाएंगी कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में मैंशन करिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल रहा हूँ उसको भी ज्वाइन कर लो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी ठीक है आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा बेस्ट ऑफ लक जो भी स्टूडेंट्स आज एग्जाम दे रहे हैं आई होप आपका एग्जाम क्लियर हो और आप जल्दी से जो आपकी गोल है उसमें आप सेलेक्ट हो सकें तो थैंक यू इवन जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ